अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यू एन ए ब्लॉग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नान खटाई की रेसिपी। तो उसके लिए मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैंने ली है पाउडर शुगर, मैदा लिया है 1 कप, बादाम लिए हैं, बादाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा है ये, इलायची पाउडर, सूजी, बेसन और 6 से 7 चम्मच घी। तो ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि ये जो मैंने मैदा, बेसन और सूजी, इनकी क्वांटिटी अगर आप 1 कप, तो 1 कप मैंने जैसे मैदा लिया है तो उसका हाफ आपको बेसन लेना है और बेसन का हाफ आपको सूजी लेनी है। तो इनकी क्वांटिटी आप इस तरीके से लगा लें कि 1 कप मैंने मैदा लिया, उसका हाफ बेसन, उसका हाफ सूजी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। घी आपको जमा हुआ लेना है, अगर आप लोगों के पास जमा हुआ ना हो तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, लेकिन घी आपको जमा हुआ ही लेना है। उसके बाद हमने पाउडर शुगर ऐड की है, अब मिक्स करेंगे इनको। बिल्कुल एक जैसा करना है, मिक्सचर कर लेना है एक जैसा। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, अब मिक्स कर लेंगे। इसको काफ़ी देर तक आप लोगों को मिक्स करना है। अभी आप लोगों को इसका कलर हल्का हल्का सा येलो नज़र आ रहा होगा, इसका कलर वाइट होने तक आपको इसको मिक्स करते रहना है। तो इसको आपको 8 से 10 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करते रहना है, बिल्कुल फ्लफी सा एक जैसा बैटर बनाना है। एक और निशानी है, जैसे अभी येलो येलो है, जब तक इसका कलर वाइट हो जाए तब तक आपको मिक्स करते रहना है। और ये सारा मतलब 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसमें। तो देखें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको मुस्तकिल मुस्तकिल फेंटते रहे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये येलो है, लेकिन जब हम इसको 10 से 15 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि वाइट हो चुका है इसका कलर, गाढ़ा सा मिक्सचर बन चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा मिक्स करेंगे, साथ में बेसन भी ऐड कर देंगे। बेसन और इन सब की वो जो बेसन की सूजी और मैदे की क्वांटिटी आप याद रखिएगा, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताई है। जैसे मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी कि मैं अपनी दोबारा आप लोगों को क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसका हाफ मतलब उससे आधा मैंने बेसन लिया था और उससे आधा मैंने सूजी ली थी। तो यही क्वांटिटी आप लोग रखिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जब भी इन चीज़ों की यही क्वांटिटी आप रखिएगा। अब मिक्स करेंगे इनको हम। बेकिंग सोडा डालेंगे हम 1/4 टीस्पून। 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, दोनों की क्वांटिटी आप याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है और बेकिंग सोडा मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिएगा आप। ये देखें, आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैंने कितनी डाली है। अब इसको मिक्स करेंगे। तो गाइस आप लोग देखें, ये हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके उनके 1-2 तैयार कर ली है। और अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि जो है वो चीनी जो है वो अपना पानी रिलीज़ करती है, लेकिन हमें अपनी डो जो है वो थोड़ी सी हार्ड चाहिए। तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो गाइस आप लोग देखें, इस तरीके से हमने इतनी हार्ड डो अपनी कर ली है और अब इसके हमने शेप देना शुरू कर दिए। अब इस तरीके से शेप दे रहे हैं, बाकी वो जब बेक होने रखेंगे तो वो खुद ही एक बिस्किट की शेप में आ जाएंगे। और जिस भी पैन में आपको बेक करना है उसको आप ग्रीस कर लें, बटर पेपर लगा दें, उस पर ऑयल लगा दें। एक तरीके से शेप दे दिया,
शेवा हमने दे दिया है और जो भी आपको पैन वैन लेना है उसमें ग्रीस करके हमने लगा दिए। और अब आप लोग इसके ऊपर, जैसे हम बादाम लगा रहे हैं, आप लोग चाहें तो पिस्ते या और भी कोई ड्राई फ्रूट्स होते हैं कुछ भी लगा दें, हमारी चॉइस पे बादाम की है, ज़्यादा बादाम अच्छे लगेंगे। तो ये सब पे लगा दिए, अब हम इसे बेक होने रखते हैं। तो उस पतीले में रख दिया है, पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही ब्रीट होने रख दिया था और अब मैं इसको पतीले में रख दूँगी और इसको कवर करके हम तकरीबन 20-25 मिनट तक छोड़ देंगे। बाकी एग्जैक्ट टाइम आपको बेक होने के बाद बता दूँगी। देखिए, तो अब ये देखें, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से थोड़े से नरम है, लेकिन आप लोग ठंडा होने देंगे तो ये अच्छे से कड़क हो जाएंगे। और ये रेडी हो चुके हैं, अब इसको ठंडा होने देंगे। बाकी हम जो दूसरा हमारा बैच है उसको हम ओवन में करेंगे, तो देखेंगे ओवन में और इसमें क्या फ़र्क है। अब ओवन वाला बैच हमने रेडी कर लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर लगाएगा आप लोग। सब पे आप लगा दें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ओवन में रखेंगे, इसको हमने ओवन में रख दिया। अब हमने 20 मिनट के लिए ओवन में बेक होने रख दिए। तो चलिए, जब ये बेक होते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी नान कढ़ाई जो रेडी हो चुकी है और इतनी अच्छी बनी है। और ये ओवन वाली और पतीले वाली मैंने मिक्स कर दी हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सेम कलर ही है। और ये देखिए, मैंने बीच में से तोड़ के रखी है, इसको देख सकते हैं अंदर से भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।